इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सूरज सांवरिया आरटीआई। चंद्रदेव प्रसाद की एक ही सोच, एक ही सपना है, हर घर में सरकारी नौकरी हो जहां बेहतर ढंग से दी जाती है प्रशिक्षण। नामी कंपनी में प्लेसमेंट ऐसी व्यवस्था है, यहां तो आप क्यों जाएं दूसरे यहां। नामांकन आरंभ है फीटर इलेक्ट्रिशियन सीटों पर, पहले आए और पहले पाए। आकर्षक उपहार एवं पैकेज के साथ छपरा का विश्वसनीय आईटीआई सुरेश सांवरिया आईटीआई। नामांकन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। में प्रथम परवरिश फाउंडेशन व आरटीआई फोरम ने किया कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। मशरक शरण शुक्रवार को प्रथम परवरिश फाउंडेशन तथा नेशनल आरटीआई फोरम के संयुक्त तत्वावधान में संस्था के द्वारा मशरक प्रखंड कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना काल में ग्राउंड जीरो पर मुख्य रूप से कार्य कर रहे प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, पुलिस मीडिया कर्मी, एम्बुलेंस चालक, सफाई कर्मी सहित कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो दिन रात पूरी तन्मयता से लोगों की सेवा में तन मन धन पूर्वक बिना किसी स्वार्थ के सेवा कार्य में लग रहे हैं, उन्हें संस्था ने अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में मशरक सीओ ललित कुमार सिंह, बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार सिंह, थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनंत नारायण कश्यप, डॉक्टर मनोरंजन सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह अनुमंडल पत्रकार संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, पंकज सिंह, संतोष कुमार सिंह, अरुण पाठक कुमार, प्रमोद ओम प्रकाश सिंह, प्रेमजीत सिंह, हरकिशोर सिंह, धर्मेंद्र पांडे सहित कई स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, एम्बुलेंस चालक, सफाईकर्मी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रथम परवरिश फाउंडेशन के अध्यक्ष कुंवर सोनू सिंह ने कहा कि जिस प्रकार देश अभी गहरे संकटों के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में इन कर्मवीर कोरोना योद्धाओं ने जो अपनी साहस के साथ निस्वार्थ भाव से तन मन धन लगाकर पूरी तन्मयता के साथ धरातल पर जो कार्य किया वह सराहनीय और काबिल तारीफ है। ऐसे में इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करना चाहिए। निरंतर काम कर रहा था। आज ओकर प्रयास था कि प्रत्येक गांव में एगो प्रथम पाठशाला के रूप में और कोई पाठशाला में कम से कम 30 बच्चा गांव गांव में खोल दिए और कौशल प्रशिक्षण केंद्र के नाते सिलाई सेंटर, फ्रूटिकल्चर सेंटर और पुस्तकालय ऐसे मिशन चला रहा था। अब कोरोना काल में संस्था योजना बनल की बिहार के 7 जिला जहाँ एक्टिव रूप से प्रथम परवरिश फाउंडेशन के कार्यकर्ता काम कर रहे बटे लोग, उस 7 जिले के 35 ब्लॉक में जे ग्राउंड जीरो पर वर्ग कहिए कोरोना योद्धा के रूप में सदस्य हैं उनको हमारे ये राकेश जी, उसके बाद उपस्थित हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष दिनेश जी, संजय जी, सारे प्रमोद जी, सारे पत्रकारगण, सबको का हम लोग आभारी हैं कि आप लोगों ने ये सम्मान हम लोगों को दिया। लेकिन दरअसल ये सम्मान तो आप लोगों ने किया है, लेकिन हम लोग दरअसल अपना काम किए हैं। 3 महीना हम लोगों ने काफी लगन से और मेहनत से अपना काम किया और आप लोग इसको अप्रिसिएट किए हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और इसी के साथ हम ये सबके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जितने संस्था के लोग हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, सारे पत्रकार लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें।
अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।